नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर्स हैं और यूट्यूब चैनल पे जाकर आप वीडियो को अपलोड करते हैं तो यूट्यूब की तरफ से एक अपडेट जो है यहाँ पे यूट्यूब हैंडल के नाम से लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चूजिंग अ यूनिक यूट्यूब हैंडल। आखिर ये अपडेट क्या है, सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। तो इसके विषय में हम आपको बता दें, आपके यूट्यूब चैनल का जो URL है यानी कि जो लिंक है उसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यूट्यूब जो है सभी क्रिएटर्स के चैनल को जो है एक ऐट द रेट के नाम से यहाँ पे जोड़ रहा है। जैसे कि देखिए, ऐट द रेट माझा टेक्निकल यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरीके से जो भी आपके यूट्यूब चैनल का नाम होगा उसके साथ ऐट द रेट यूट्यूब ऐड करके और ये पर्सनली सेपरेट आपके लिए कर देगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप चेंज नहीं करते हैं और अगर इस नाम को कोई और व्यक्ति ले लेता है तो फिर दोबारा आपके नाम का जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसलिए YouTube इस अपडेट को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, चूज नाम का सेक्शन है उस पर जाके आप क्लिक कर दीजिए। और ध्यान रखिए, जो कस्टमाइज URL आप पहले से बनाए हुए हैं आप अपने यूट्यूब चैनल का, उसी के नाम के पहले यूट्यूब क्या किया है, ऐट द रेट जोड़ दिया है। अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं इसमें तो चेंज हैंडल का सेक्शन बना हुआ है, उस पर जाके आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। एक बार आपका नाम यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा तो वही ऑलवेज आपके लिए हो जाएगा, बाकी दूसरा कोई नहीं ले सकता है। बाकी आप चाहते हैं किसी और नाम से यहाँ पे चेंज करके बनाना, या फिर अगर ये नाम आपका परफेक्ट है तो छोड़ सकते हैं, चूँकि हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, YouTube.com/@माझाटेक्निकल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये आपके YouTube चैनल का एक पर्सनल जो है कस्टमाइज URL हो गया। तो इस तरीके से आप भी जो है अपने YouTube चैनल का जो भी YouTube हैंडल है उसको आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अभी इस एक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आपके साथ समस्या ये हो जाएगा कि अगर आपके नाम का URL कोई अदर व्यक्ति जो है वहाँ पे एक्सेप्ट करवा लेता है, अगर अदर व्यक्ति कोई रजिस्टर्ड करवा लेता है तो फिर बाद में आप ही को जो है आपके चैनल के नाम से जो है वहाँ पे कस्टमाइज URL नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि अभी भी YouTube चैनल को होम सेक्शन पे जो है वहाँ पे जब आप चैनल डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है जहाँ से चूज करके आप अपने YouTube चैनल का जो YouTube हैंडल है वो अपने अनुसार आप कस्टमाइज कर सकते हैं।